फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लालपुर फारसी के ग्राम प्रधान असलम ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री पर आरोप लगाती हुई परिवार सहित अपनी जान का खतरा बताया है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाती हुई कहा है कि मंत्री के इशारे पर थाना क्षेत्र की पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर रोज घर पर छापेमारी कर परेशान करने के साथ प्रधानी के होने वाले चुनाव को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में गाँव के लोगों का नाम कटवाने का काम किया। 25 सालों से प्रधानी हमारे घर के लोग कर रहे हैं। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है तब से सरकार में राज्य मंत्री बनाने के बाद इनके इशारे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर पुलिस से परेशान कराया जा रहा है, क्योंकि सपा में होने का कारण मुझे इनसे अपनी व परिवार की जान का खतरा है। आज सब क्या मामला है कि आपको परेशान किया जा रहा है, होटल लिस्ट से काफी नाम भी काटे गए हैं, लगातार 25 वर्षों से आपके वहाँ प्रधानी है। जी, मेरे यहाँ 25 वर्षों से प्रधानी, 95 से हमारे यहाँ प्रधानी है, कंटिन्यू हमारे परिवार के पास प्रधानी रहती है। इस बार 2017 में मेरी माता जी एक्सपायर हो गए, जो प्रधान थी लालपुर की, उनके मरने के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हमारे और हमारे समर्थकों पर हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी के जरिए तमाम मुकदमे भू माफिया और गैंगस्टर वगैरह लगाए गए। उसके बावजूद भी कि ये चुनाव में हिस्सा ना लेने पाए, जनता ने हमारे भारी मतों से हमें जिताया। यहाँ पुलिस पीएसी सब लगी हुई थी, उसके बाद जिता दिया। मंत्री जी और ज़्यादा नाराज़ हो गए, फिर हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया, हमारे सिलाह खारिज कर दिए। मंत्री जी उसके बाद उससे नहीं माने, हमारे ऊपर बलवा वगैरह के मुकदमे लगवा दिए, कहीं क्षेत्र में कोई लड़ाई हुई उसमें हमको शामिल कर दिया अपने दबाव और अपने जोर से। अब पंचायती चुनाव फिर होने को आ गए हैं। हमारे लालपुर से हमारे यहाँ 2 ग्राम पंचायतों से प्रधान हूँ। इस टाइम मैं मौजूदा फरसी से प्रधान हूँ, 2 पंचवर्षीय से वहाँ भी मैं प्रधान हूँ, और उससे पहले 1987 से हमारे रिश्ते में बहनोई हैं और पारिवारिक हैं। ये हासिम भाई प्रधान रहे करीब 8-9 साल, फिर हमारे एक मित्र जागेश्वर सिंह प्रधान रहे। 2 पंचवर्षीय फरसी में प्रधानी नहीं रही, विपक्ष में चली गई। उसके बाद हमारा घर फरसी में था, तो हम फरसी, हमारे पिताजी ने हमको फरसी में हमारा फर्सी में एडजस्ट कर दिया। तो जब फर्सी में हम चले गए तो वहाँ होटल इसमें हमने नाम डला लिया, फिर वहाँ हम प्रधान बन गए। तो वहाँ से हम प्रधान होते रहे, यहाँ से हमारी माता जी प्रधान होती रही। ये बात, जबकि यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, मुस्लिम आबादी लगभग 10% होगी, अधिक से अधिक 10% होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चूँकि जनता के बीच में हम परिवार की तरह रह रहे हैं सबके साथ, और सबके सुख दुख में हम सहभागीदार होते हैं हर तरह से, जिस लायक हम हैं। वर्तमान समय में क्या दिक्कत है आप? वर्तमान समय में ये दिक्कत है कि पंचायती चुनाव सामने आ गए हैं, और यहाँ पर हमारे लालपुर ग्राम पंचायत में हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर का बीएलओ, जो कि विपक्ष पार्टी का रिश्तेदार है, उसको लगाया गया। और उसको लगाने के बाद हमारे लालपुर से 300 नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, लगभग 300 नाम। अब हमने एप्लीकेशन दी जिसमें सब आधार कार्ड वगैरह लगे हुए हैं, सबके आधार कार्ड वगैरह देखिए सब लगे हुए हैं, ये सारे आधार कार्ड वगैरह लगे हुए हैं। ये सब एप्लीकेशन मैंने एसडीएम साहब की दी, जिसकी जांच हुई, जांच में हमारे क्षेत्रीय लेखपाल की भूमिका संदिग्ध रही, एक भी नाम नहीं बढ़ाए। जो नाम काटे गए क्या पिछले लिस्टों में नाम थे? पिछले 2015 की लिस्ट में नाम थे, उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें नाम है। अभी जो मैंने बीएलओ से पहले जो लिस्ट निकलाई उसमें नाम है, लेकिन बीएलओ ने 300 नाम तकरीबन काट दिए। और विपक्ष के दोस्त, क्या वजह है किसके नाम काटा गया है? अरे भाई, वोट तो हम हमारा परिवार जो है, हमारी वालदा तो खैर 60-70 साल की हो गई, वो तो हमेशा वोट डालती आ रही है। हम 3-4 मरतबे से वोट डाल रहे हैं, मेरी भी 40 साल की उम्र हो रही है ना। लेकिन जो है बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो है, जो यहाँ पर है हमारा एक गाँव है, जो हम एक परिवार के तरीके रहते हैं, और बिलखसूस जो हमारे प्रधान जी असलम साहब, हम लोग उनके सपोर्टर हैं। अब किसके दबाव में, या तो ये कहिए कि जो है मुखालिफ ग्रुप जो है इतना ताकतवर है, या ये कह लीजिए कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और बिलखसूस हम तो ये कह रहे हैं, इलाके के असरदार जो एक मंत्री जी हैं, जो हर मामले में जो है हमारे प्रधान जी को परेशान भी करते हैं, उनको सबसे बड़ी खलीस इसी बात की है कि जो उनके पास जा कर के हाजिरी लगा लेता है उसके तो है, और जो हाजिरी नहीं लगाता उसको वो ऐसा परेशान करते हैं जैसे वो इस मुल्क का नागरिक नहीं है, उसको दुश्मन की निगाहों से देखते हैं। ये उन्हीं के कहने पर हो रहा है, मैं तो साफ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तो आपके साथ कितने लोग होंगे जिनका नाम काटा गया होगा? हमारे गांव में कम से कम 300-400 लोगों के नाम काटे गए,
कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लईक रजा है।